हेलो फ्रेंड्स ये देखो आज मैं फिर से बताने वाली हूँ ये देखिए ये डोरमेट मैंने बनाकर डाला था तो इसका मेरे पास कमेंट आया है कि मैं इसे साठ फंदों में बनाकर बताऊं बताऊँ ये मैंने तीस फंदों में बनाया है तो ये कमेंट आया कि मैं इसे साठ फंदों में बनाकर बताऊं बताऊँ तो आज मैं आपको इसे साठ फंदों में बनाकर बताऊंगी सिक्सटी फंदों में तो देखिए उसके लिए भी मैंने ये चारों यही कलर लिए हैं येलो ग्रीन रेड और वाइट यही कलर मैंने लिए हैं आपको बताने के लिए तो देखिए मैंने ये नौ नंबर सिलाई ली है और इसमें देखिए ये मैंने साठ फंदे यहाँ पे वाइट कलर से डाले हुए हैं तो ये मैंने साठ फंदे वाइट कलर से डाले हैं अब देखिए इसमें हम यहाँ पे ये तीन कलर और इसमें ऐड करेंगे तो इस डोरमेट को बनाने के लिए अब देखिए यहाँ पे हमें कलर ऐड करने हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं बीस फंदे वाइट कलर के देखिए पहला फंदा उतारना है हमें तो बीस फंदे हम बना लेते हैं वाइट कलर के दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ये देखिए सत्रह अठारह उन्नीस और ये देखिए बीस तो ये बीस फंदे हमने बनाए हैं यहाँ पे वाइट कलर से ये देखिए ये वाले फंदे हमने यहाँ पे ये वाला डिजाइन जो बनेगा ये वाले फंदे उसके लिए हमने यहाँ पे बीस फंदे बना लिए हैं अब देखिए हम इसमें रे, रेड कलर लगाएंगे तो हम यहाँ पर रेड कलर के दस फंदे बना लेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये दस फंदे हमने बनाए यहाँ पे रेड कलर के अब यहाँ पे दस फंदे हम बनाएंगे ग्रीन कलर से दस ही फंदे हमें यहाँ पे ग्रीन कलर से बनाने हैं ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये दस फंदे हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से बना लिए अब हमें यहाँ पे बनाने हैं येलो कलर से तो येलो कलर से हम यहाँ पे बीस फंदे बनाएंगे, तो बीस फंदे अब हम यहाँ पे येलो कलर से बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस ये बीस फंदे हमने देखिए यहाँ पे येलो कलर से बना लिए तो हमने इसमें देखिए चारों कलर ऐड कर लिए हैं जिस तरीके से ये हमने इसमें लगाए हैं उसी तरीके से हमने इसमें ऐड कर लिए हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने चारों कलर लगाते हुए एक सिलाई यहाँ पे बना ली है अब हम देखिए इधर की सिलाई बनाएंगे तो इधर से देखिए जो फंदा हमारा जैसा है हमें वैसा ही बनाना है इधर से हमारी कोई चेंजिंग नहीं होगी जिधर से हमने इसमें वूल को लगाया है चारों कलरों को लगाया है उसी उसी तरफ से हम डिजाइन को बनाएंगे तो इधर तो हमें जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बनाने हैं येलो कलर के येलो कलर से और ग्रीन कलर के ग्रीन कलर से और रेड कलर के रेड कलर से इस तरह से हमें बनाने अब देखिए यहाँ पे हम ब्लू को पीछे करेंगे यानी कि येलो कलर को देखिए अब ग्रीन कलर को लेंगे ग्रीन कलर के फंदे आगे तो इस तरह से हम क्रॉस में इसे आगे लेंगे तो अब ग्रीन कलर के फंदे बना रहे हैं तो देखिए बहुत ही आसान है बनाने में अब देखिए हम रेड कलर के फंदे बनाएंगे तो रेड कलर को लेंगे आगे और ग्रीन कलर को करेंगे पीछे ये देखिए यहाँ पे इस तरह से क्रोस में लेंगे जब भी हम धागा चेंज करेंगे तो हर बार हमें क्रॉस में ही लेना है पूरा डोरमेट बनाएंगे तो इसी तरह से हम क्रोस में धागे लेंगे ये देखिए अब हम रेड कलर के बना रहे हैं हम इसे पुरानी साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं अब आप देखिए यहाँ पे हम वाइट कलर के बनाएंगे तो वाइट कलर को आगे लेंगे क्रोश में ये देखिए इस तरह से और वाइट कलर के फंदे बनाएंगे इसी तरह से तो बहुत ही आसान है बनाने में फ्रेंड्स तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको डोरमेट कैसा लगा ये देखिए ये लास्ट वाला फंदा हम इस तरह से बना सकते हैं और देखिए यहाँ पे बुल को पीछे करेंगे और ये देखिए सीधा बना लेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं तो ऐसे बनाने से ये हमारी किनारी जो है डोरमेट की बहुत ही प्यारी आती है बन के अब देखिए अब यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे तो ये वाली डिजाइन हम इसमें बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे पहला फंदा उतार लेंगे और देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस ये देखिए उन्नीस फंदे हमने ये वाइट कलर के बना लिए हैं अब देखिए यहाँ से हम बीसवा फंदा वाइट कलर का हम रेड कलर से बनाएंगे ये देखिए तो बीसवा फंदा हमने रेड कलर से बना लिया अब आगे के फंदों को भी बना लेंगे हम रेड कलर से अब देखिए ये वाले धागे हैं इन्हें हम इस तरह से इसमें दबा लेंगे ये देखिए अब देखिए यहाँ पे हम इधर से रेड कलर का एक फंदा ग्रीन कलर से बनाएंगे तो यहाँ पर बुल को आगे करेंगे और ग्रीन कलर का रेड कलर का फंदा ग्रीन कलर से बनाया अब आगे के फंदों को भी हम बना लेंगे ग्रीन कलर से ये देखिए अब देखिए ऐसे ही यहाँ पे तो ग्रीन कलर का फंदा हम यहाँ पे येलो कलर से बना लेंगे ये देखिए ये देखिए हम येलो कलर के फंदे बना रहे हैं अब और देखिए इधर से हम दो दो फंदे छोड़ेंगे तो इस सिलाई में हम दो फंदे छोड़ देते हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे अब इधर से भी बना लेंगे इसी तरह से जो फंदा जैसा है वैसा ही बनाएंगे तो इधर से तो हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ जो दो जो फंदा जैसा है वैसा ही बना के हमें कंप्लीट करना है देखिए यहाँ पे हम धागों को क्रॉस में चेंज करेंगे आगे पीछे ये यह देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर को आगे लेंगे और येलो कलर को पीछे करेंगे तो क्रॉस में कर लेंगे तो इसी इसी तरह से सॉरी अभी हमें एक फंदा और बनाना है अब देखिए ग्रीन कलर को आगे लेंगे अब ग्रीन कलर के फंदे बना लेंगे इसी तरह से हम पूरी सिलाई को यहाँ पे बना लेंगे तो चलिए मैं बना लेती हूँ पूरी सिलाई को इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने इधर की सीधी सिलाई बना ली है अब देखिए यहाँ से हम दूसरी सिलाई बनाएंगे देखिए यहाँ पे पहला फंदा तारा और यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अब देखिए यहाँ पे हम पहले हमने उन्नीस फंदे बनाए थे अब हम यहाँ पे यहाँ पे अट्ठारह फंदे बना रहे हैं अब देखिए उन्नीसवा फंदा हम यहाँ पे रेड कलर से बनाएंगे, तो पे व्हाइट कलर को आगे करेंगे इस तरह से और व्हाइट कलर का फंदा बना लिया रेड कलर से अब आगे के फंदों को ही बना लेंगे अब देखिए यहाँ पे हम रेड कलर का फंदा देखिए ग्रीन कलर से बनाएंगे जिस तरह से यहाँ पर व्हाइट कलर का रेड कलर से बनाया है अब यहाँ पे रेड कलर का ग्रीन कलर से बनाएंगे ये देखिए अब आगे के फंदे भी बना लेंगे इसी तरह से अब यहाँ पे ग्रीन कलर का फंदा एक येलो कलर से बनाएंगे ये देखिए एक फंदा हम यहाँ पे फिर से ग्रीन कलर का येलो कलर से बना लेंगे अब आगे के फंदे भी बना लेते हैं और देखिए फिर से हम दो फंदे इसमें छोड़ेंगे सिलाई में जिस तरह से हमने पहले छोड़े थे उसी तरह से हम दो फंदे फिर से छोड़ेंगे ये देखिए दो फंदे पहले छोड़े थे और दो अब के छोड़ रहे हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे और इधर से तो हमें जो फंदा जैसा है वैसा ही बनाना है इधर से हमें सीधी तरफ है ये हमारी इधर से हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी होती है जो फंदा जैसा है वैसा ही बनाना है ये देखिए अब हम ग्रीन कलर के फंदे बनाएंगे तो चलिए इसी तरह से मैं बना लेती हूँ पूरी सिलाई को तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने सीधी सिलाई बना ली है तो ये हमारी डिज़ाइन यहाँ पे इसी तरह से बनेगी तो देखिए हम फिर से बनाएंगे तीसरी सिलाई पर डिज़ाइन तो यहाँ पर एक फंदा हम फिर से वाइट कलर का रेड कलर का बना देंगे यानी कि हर सिलाई पे हम एक एक फंदा इधर से वाइट कलर का कम करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे रेड कलर में भी कम होता है और ग्रीन कलर में भी कम होता है और इधर यहाँ पे दो दो फंदे हम हर सिलाई में छोड़ रहे हैं तो इसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे और यहाँ पर ये दो फंदे हमारे वाइट कलर के रह जाएंगे तो चलिए इतना हम बना लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पर एक कली बना ली है ये देखिए ये वाली कली मैंने ये बना ली है ये देखिए लास्ट में हमारे दो फंदे बचे हैं ये वाइट कलर के और देखिए इधर हमने यहाँ तक ये देखिए यहाँ तक ये दो दो फंदे छोड़े हैं ये देखिए दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस ये छत्तीस फंदे हमने देखे यहाँ पे ये छोड़ दिए हैं इधर से ये, ये येलो कलर के हमारे छत्तीस फंदे छूटे हैं दो फंदे बचे हैं येलो कलर के और देखिए यहाँ पे ये दो फंदे बचेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से ये हमारी कली हमने बनाई है इधर से एक एक फंदा हमने रेड कलर का बनाया है इधर सी साइड हम एक एक फंदा बनाते हुए गए हैं जिस तरीके से मैंने आपको बनानी बताई थी उसी तरीके से आप देखे यहाँ पे हम ये पूरी कली बन गई है तो यहाँ पे देखे ये हमने एक लाइन ये देखिए रेड सॉरी वाइट कलर की बनाई है ये वाली लाइन हमने ये देखिए तो आप देखिए इसे बनाएंगे तो यहाँ पे हम पूरी सिलाई यहाँ पे बना लेंगे वाइट कलर से ये देखिए पूरी सिलाई हमें ये वाइट कलर से बनानी है ये जो हमने लाइन बना रखी है इसमें ये देखिए कलियों के बीच में ये वाली लाइन बनाने के लिए हमें वाइट कलर से पूरी सिलाई बनानी है ये हमारे साठ फंदे हैं पूरे जितने फंदे हमने शुरू में डाले थे उतने ही फंदे हैं रहेंगे हमारे इसमें कोई फंदा घटेगा बढ़ेगा नहीं ये पूरी सिलाई हम बना रहे हैं व्हाइट कलर से ये देखिए साठ फंदों में बहुत ही काफी बड़ा बनेगा इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन के बहुत अच्छा आएगा ये देखिए ये पूरी सलाई हम यहाँ पे वाइट कलर से बना चुके हैं ये देखिए अब देखिए इधर से भी हम पूरी सिलाई इसी तरह से बना लेंगे वाइट कलर से तो चलिए मैं बना लेती हूं सिलाई से ये देखिए ये हमने दोनों तरफ की वाइट कलर से सिलाई बना ली हैं दोनों तरफ की तो ये देखिए ये हमारी इस तरह की लाइन यहाँ पे बन ये जो हमने देखिए इसमें बनाई है अब देखिए यहाँ से हम दूसरी कली बनाना शुरू करेंगे देखिए ये वाली कली बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से हम फंदे चेंज करेंगे तो देखिए पहले हम बीस फंदे बना लेते हैं वाइट कलर से एक दो तो, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ये देखिए बीस फंदे हमने ये यहाँ पे वाइट कलर से बना लिए अब दस फंदे बनाएंगे हम ग्रीन कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस फंदे बना लिए ये हमने ग्रीन कलर से अब दस फंदे बनाएंगे हम सॉरी हमें थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे हमें रेड कलर लगाना था हमने ग्रीन कलर लगा लिया तो चलिए मैं यहाँ पे वापस से फंदों को खोल लेती हूँ हमें पहले रेड कलर लगाना था हम भूल गए रेड कलर को लगाना ये देखिए तो हमने सारे फंदे खोल लिए अब देखिए यहाँ पे हमें पहले रेड कलर लगाना है तो हम रेड कलर लगाना भूल गए हमें दस फंदे रेड कलर से बनाने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये दस बंदे हमने बनाए रेड कलर से अब बनाएंगे हम ग्रीन कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस फंदे बना लिए हमने ये ग्रीन कलर से आप येलो कलर से बना लेंगे बीस फंदे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, उन्नीस बीस ये बीस फंदे हो गए हमारे येलो कलर के तो बीस फंदे व्हाइट कलर के बीस फंदे येलो कलर के और दस दस फंदे ये हमारे रेड और ग्रीन के तो हमारे हो गए पूरे साठ फंदे तो अब देखिए दूसरी कली बनेगी ये हमने फंदे भी लिए जॉइंट कर लिए हैं अब देखिए यहाँ पे हम इधर की सिलाई बना लेते हैं ये देखिए जो फंदा जैसा है वैसा ही बना के कंप्लीट करेंगे ये देखिए इस तरह से हमें जो फंदा जैसा है वैसा ही बनाना है अब ग्रीन कलर की को लेंगे तो चलिए मैं बना लेती हूँ सिलाई को इसी तरह से तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने ये वाली सिलाई भी बना ली सीधी तरफ की तो देखिए मेरी सिलाइया थोड़ी छोटी हैं इसलिए फंदे यहाँ पे थोड़ी चुनटे सी आ रही हैं अब देखिए यहाँ से हम दूसरी कली बनाना शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से हम इसी तरह से बनाना शुरू करेंगे जिस तरीके से मैंने ये शुरू से बनाई है यहाँ पे वाइट कलर का फंदा रेड कलर से बनाते हुए जाएंगे एक एक फंदा हर सिलाई और लास्ट में दो फंदे रह जाएंगे और इधर से हम दो दो फंदे छोड़ेंगे और बीच में भी इसी तरह से रेड कलर का ग्रीन कलर से और ग्रीन कलर का येलो कलर से तो बिल्कुल इसी तरह से ये हमारी कली यहाँ पर बनेगी तो फ्रेंड्स पूरा डोरमेट ये हमारा इसी तरह से बनकर कम्प्लीट होगा तो मैं मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाया बताया है उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा तो प्लीज़ बना कर जरूर देखें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय